वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। My name is Prakhar Verma and I'm going to sing a song, ऐ वतन। वतन मेरे वतन, ए वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू। जय हिंद। ओ ओ ओ ओ ओ संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरे दोस्तों मेरी दिल रुबा, मेरी माँ को पयाम दो, मुझे जाके मेरा पयाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी
काशी की छाओ में कि माँ के आंचल से गांव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था मैं निभाऊंगा मैं वापस आऊंगा। थैंक यू सो मच। ओके सामने इस 75वें स्वाधीनता दिवस पर श्री आशुतोष राणा जी द्वारा रचित एवं पठित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हे भारत के राम जगो। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मौन इंडिया त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ की वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्र दन पर देशभक्ति ध्वजा जगे, और रण के कंकण पहने हैं फिर राष्ट्रभक्ति बुझा जगे। और अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाल ले, जागो सर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरमंडा। और रक्त बीच कर रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नर मुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे। मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे।
रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे और दुष्ट शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे, परशुराम का परशु जगे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, सिल्युकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी ना जाना, जगे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना, देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राणा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी कौन के दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा और मरने की अठाना करते विकट मराठों के राजा, छत्रसाल बुंदे राजा के पंजाबी कृपाण जगे, और दो दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे, कनवाहे का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, और जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई कौन गांधी जी के जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता हुए फौजे सात समुंदर पार गई, और मानवता का प्राण जगे और भारत का विमान जगे, और स्वयं कफन की घाट बांधकर सातों भावर घूम गए, और सुभाष की आन जगे, उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे, तो झोली लेकर मांग रहा हूँ कोई शीश दान दे दो, और भारत का भैरव भूखा है कोई प्राण दान दे दो, खड़ी शत्रु की दुल्हन कुंवारी कोई ब्याह रचालो, और कोई मर्द अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो, कौन वीर निज हृदय रक्त से उसकी मांग भरेगा, और कौन कफन का पलंग बिछाकर उस पर शयन करेगा, अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे, वह बर्बर था वह अशुद्ध था हमने उसको शुद्ध किया, वे बर्बर था वह अशुद्ध था हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्धि दिया था उसने हमको युद्ध दिया, तो आज बंदा फिर कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी मिनी जिसमें दमो टकराओ, जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है, रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की रोटी होगी और बारूदों का आटा, सन सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फण वाला, फिर चाहे पैकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा, मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, न मस्जिदों ने कभी सजदा किया है तुम्हें, खुदाओं से बढ़कर जो रुतबा होता है जमीन हिंद ने वो मर्तबा दिया है, वो गोलियां जो हमारी तरफ बड़ी थी कभी तुम अपने सीने में भरकर जमीन पे लेट गए, जहां भी प्यार से माँ भारती ने थपकी दी तुम एक बच्चे की मानिंद वहीं पे लेट गए, उठा के हाथ दुआएं पड़ी है मिट्टी ने तुम्हारे जैसे जियाले सपूत पाने को, जो लब पर लेकर शिकायत यही शहीद हुए कि जान एक ही मिलती है क्यों जुटाने, तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन है खून से यूं लालाजार करता कौन, हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में लेकिन हमारे वास्ते मुस्कुरा के मरता कौन। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए ये मुमकिन है कि नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए, हमारे गांव की बहने उन्हें राखी ना बांधेंगी पलट कर जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए, हम फौजी हैं लेकिन बारूद से नहीं बने, न हमारे सीने में दिल की जगह डायनामाइट है न आंखों में पानी की जगह बारूद, हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं, हमें भी जब अपनों की याद सताती है तो चैन की सांस नहीं लेने देती, हमारी धड़कनों में हिंदुस्तान है लेकिन बरस में 5 बरस की बेटी, किसी की फोटो सीने से लगाकर सोते हैं, किसी का दिया हुआ ताबीज पहनकर खुश होते हैं, और घर से अगर चिट्ठी आती है तो लिफाफा चूम के रोते हैं, हमें दुआओं और मरहमों की कमी नहीं लेकिन जब भी कोई गोली बाजू चीर जाती है तो माँ की फूंक की बहुत याद आती है, तो अगली बार जब अखबार में पढ़ना कि गलवान की घाटी में 20 सैनिक शहीद हो गए तो हमें गिनती समझकर भूल मत जाना, साथी समझ के याद रखना क्योंकि हम एकदम तुम्हारे जैसे। थैंक यू। नमस्ते, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है जतिन प्रजापति फ्रॉम क्लास 9। ये कहानी है वीरबाला कालीबाई की। दक्षिण राजस्थान के अंदर एक जिला डूंगरपुर में एक गांव जिसका नाम रास्तापाल था, वहां पर भारत की आज़ादी से पहले यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं थी, उस समय उन दिनों यहां पर एक पाठशाला चलती थी जिसे प्रजामंडल चलाती थी।
इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट और यहाँ पर शिक्षक का काम करने वाले थे श्री सिंगड़ा भाई रोत। इस पाठशाला में कई आदिवासी बालक व बालिकाएं पढ़ते थे, उनमें भी एक दिल बालिका थी जिनका नाम था काली बाई। उनकी उम्र 13 वर्ष की थी। सिंगड़ा भाई पाठशाला के अंदर अंग्रेजों के अत्याचार और सामंतों की कहानियां सुनाते थे। काली बाई उन्हें ध्यान से सुनती थी। एक बार प्रजामंडल की बैठक थी, उसमें नाना भाई भी उपस्थित थे। उन्होंने उसमें ये प्रण लिया कि जब तक मेरी जान रहेगी मैं इस पाठशाला को बंद नहीं करूँगा। ये बात राज्य के एक जागीरदार के नहीं पची। वह नहीं चाहते, वह शिक्षा के खिलाफ था और वह नहीं चाहता था कि राज्य में शिक्षा का प्रचार हो, तो उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने एक बैठक बुलाई और घर घर जाकर सबको कहा कि ये शिक्षा गलत है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और बैठक में नहीं आए। इस बात पर जागीरदार चिल्ला उठा और उसने सारी बात सामंतों को नमक मिर्च लगाकर कह दी। अगले ही दिन रियासत के पुलिस अधिकारी, जिला न्यायाधीश, दल बल सहित रास्तापाल पहुंचे। उस समय कालीबाई खेत में थी। पाठशाला के सामने एक ट्रक आकर खड़ा हुआ। नाना भाई और सिंगा भाई वहां पर उपस्थित हुए। न्यायाधीश ने सिंगा भाई से कहा कि पाठशाला बंद करो और चाबी हमें दो। इस बात पर सिंगा भाई ने नम्रता से कहा, न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं, हम आपका काम ही तो कर रहे हैं, ये शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप इसे भी बंद करना चाहते हैं, ये तो कोई न्याय की बात नहीं है। इस बात पर न्यायाधीश बहुत आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि तुम मुझे न्याय सिखाओगे, छोटी मुंह और बड़ी बात करते हो, सिपाहियों इसे टक से बांध कर घसीटो। यही बात उन्होंने नाना भाई से कही और उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि महोदय आप ये पाठशाला बंद क्यों कराना चाहते हैं, ये पाठशाला तो प्रजामंडल द्वारा चलाई जाती है, इससे इस बालकों का भला ही तो हो रहा है। इस बात पर न्यायाधीश के गुस्से का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने एक इशारा किया और सभी पुलिस कर्मियों ने उनकी जमकर पिटाई की और सिंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था। नाना भाई उनको बचाने के लिए उठकर भागने ही वाले थे कि पीछे से किसी ने बंदूक के कुंदे से उनके सर पर मारी और वह बेहोश हो गए। ये इस घटना के दौरान गांव वाले जो थे वह सारे के सारे इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को ये हिम्मत नहीं हुई सिंगा भाई को बचाने की। काली भाई वहीं पर ही थी। उन्होंने ये देखा कि उनके शिक्षक को घसीटा जा रहा है, तो वह उन्होंने अपने हाथ में हसिया लेकर ट्रक के पीछे भागी। पुलिस कर्मियों ने कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वह नहीं मानी और एक ही झटके में रस्सी को काट दिया और सिंगा भाई जो थे वो मौत के मुंह में जाते जाते बच गए। लेकिन पुलिस कर्मियों ने काली भाई के ऊपर गोलियां चलाकर उनको भून दिया। उनके शिक्षक को बच गए लेकिन वह नहीं बच पाई और फिर गांव वालों ने उन पर पत्थर मारे और उनको वहां से भगा दिया। इस घटना के बाद उन पुलिस कर्मियों की यहाँ आने की हिम्मत नहीं हुई। फिर काली भाई, सिंगा भाई और नाना भाई को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 40 घंटे बेहोश रहने के कारण काली भाई को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन अपने शिक्षक को बचा लिया। एक नन्ही सी ज्योति बुझ गई लेकिन हजारों दिलों में एक आजादी की ज्योति जला गई। थैंक यू।